हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग? तो आई नो आप लोग बहुत डोप होंगे, मतलब मजे कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सुपर हीरो एडिटिंग। तो सुपर हीरो एडिटिंग क्या है, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, जो भी बना रहे हो वो भर भर के लाइक आ रही हैं, लोग शेयर्स कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो आपके लिए भी ले आते हैं ऐसे। तो मैंने एक बहुत पहले बनाया हुआ था, मैंने कस्टम बनाया था, मैंने ऐसा नहीं कि किसी से कुछ आइडिया लिया था कि ऐसा मतलब सुपर हीरो बनाना है, सुपरमैन बनाना है या बैटमैन बनाना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैटमैन बना रहे, सुपरमैन बना रहे, स्पाइडरमैन बना रहे हैं, बट मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने मतलब ऐसा किया ना कि लिक्विड टाइप का वैनम है, उसको हम फाड़ के ऐसे निकल रहे हैं तलवार लेके, तो हर तरफ ना अमेजिंग सा लुक था उसमें बताऊँ ओवरऑल। तो उसके एडिटिंग करने वाला जो कि बहुत आसान होने वाला है। तो इसमें मैंने जितने बैकग्राउंड्स किए ना, फुल एच डी में बैकग्राउंड, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड का प्रोसेस मैं एंड में बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लेना। तो उसके सबसे पहले मैं पिक्सआर्ट में इसको ओपन किया और ड्रॉ टूल में लेके आऊँगा, उसको साइड में करूँगा। साइड में क्यों, ताकि हमको कि लेयर भी लेना है, फोटोशॉप वाली फील भी लेनी है भाई, हमको फोटोशॉप वाली फील आएगी। तो हमने लेयर पहले खोल लिया, अभी एक जो ऊपर वाला लेयर है उसमें मैं क्या करूँगा, फोटो लेकर आऊँगा। फोटो क्या, हाँ अपनी लेकर आएंगे, बिल्कुल फोटो अपनी लेकर आएंगे। और इसको क्रॉप करने के बाद अपने पोजीशन जहाँ पर मैंने लगाई है, आपको भी सेम यहीं पर लगाना हुआ है, लगाना है हुआ नहीं है, लगाना है यहीं पर आपको, आपको भी यहाँ पे लगाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। जैसे मैं इसको मतलब पोजीशनिंग सेट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी, तो देखना आप जैसे अच्छे से सेट कर लेना। और जो बैकग्राउंड करना है उसकी आँख बंद करके और इसको अपने मॉडल को सेव कर लेना। अभी देखना क्या करने वाले हैं, हम जादू करने वाले हैं। तो इसको मैंने करने के बाद क्या करना, फिर से उसकी आँखें खोल के इसको दोनों को मर्ज कर सकते हो। मैंने अपने केस में नहीं किया, आप चाहते हो तो करना तो कर सकते हो। और यहाँ से आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद उसके बाद क्या करना, आप यहाँ से देखना, इसको मैंने डन किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलता है ऐड फोटो का ऑप्शन मिलता होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनों में ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब खुदा की किस्मत, खुदा ने दिया हुआ है, ऐड फोटो का ऑप्शन देते हैं। तो वहाँ से ऐड फोटो लेके आए, जो भी मैंने सेव किया हुआ है उसको लेकर आना है ड्रॉटल में, जो मैंने सेव किया हुआ था, और उसको बड़ा करके यहाँ पे लगा देना है। बहुत आसान चीज़ होने वाला, ठीक है, बड़ा कर दोगे आप तो आराम से कर लोगे। और एफएक्स इफेक्ट में जाने, उसमें कलर्स वाले ऑप्शन में सबसे एंड में सेकेंड एंड होगा, जो सेकेंड लास्ट, उसमें ब्राइटनेस है, उसके अमाउंट को 255 एंड तो जितना होता कर लेना है और ऐसे डन कर देना है। उसके बाद के ब्लेंडिंग मोड को, अभी क्या होता है ना कि जब हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं फोटो में तो ब्लैक लाइन आ जाती है साइड में, उसको गायब करने के लिए उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके ब्लेंडिंग में जाओ, इसको स्क्रीन कर दो। स्क्रीन से क्या होता है कि स्क्रीन क्या करता है, ब्लैक चीज़ों को गायब कर देता होता है, तो यहाँ से वो ब्लैक चीज़ भी गायब हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे रिम लाइट क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये रिम लाइट के सेकंड वर्जन है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो चाहिए कि हम अलग अलग तरीकों से कैसे रिम लाइट क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास आई थिंक मेरे पास 7 से 8 तरीके हैं रिम लाइट क्रिएट करने के, तो मुझे जरूर बता देना। और यहाँ से आपको जैसे पेशेंस रख के जैसे मैं रिम लाइट क्रिएट कर रहा हूँ वैसे करना है। और आपको रिम लाइट क्रिएट नहीं करनी आती तो मैं एक वीडियो को यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, बहुत अमेजिंग तरीके से आ जाए आपको, मैं मास्टर हो जाए उस चीज़ में, ठीक है ना। और आपको सार्वेंद्र टाइप की सीखनी है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं कि सार्वेंद्र अपने फोटो में कैसे मतलब रिमेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद कोई ऐड फोटो पे जाना है और इसमें आपको एक स्वॉर्ड की PNG दे दूंगा, तो मतलब बहुत अमेजिंग सा कुछ ना, आप चाहते इसको ग्लो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, पर मैंने नहीं किया था तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो ग्लो करना तो कर सकते हो, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में बताया चीज़ों कैसे ग्लो करते हैं, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको मैंने अपने बस अपने क्या था, मैंने पहले एक हैंडल सा पकड़ा हुआ था, एक हैंडल था मेरे पास, अगर आपके पास ना हो तो इस मैंने जो चाकू है, इसमें जो तलवार है, इसमें हैंडल पहले से ही है, तो उसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे को यूज़ नहीं है तो उस हैंडल को मैं इरेजर में जाके इरेज करूँगा सिंपली, आसानी से, बहुत आसान होगा, ऐसे डन कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या, हमारा स्वॉर्ड मतलब मैच हो चुका है, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट लगा कि ओरिजिनल से हमने स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम डन कर देंगे। उसके बाद ऐड फोटो में हम दोबारा से जाएंगे और इस PNG का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, इसको लेकर आना है और ऐसे यहाँ पे कोने में लगाना है। कोने में लगाने बाद ऐसे इसको मतलब इसको ध्यान से देना है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सी आपके लिए भी। तो क्या करना है, देखो कोने में लगा दिया और आपके एक चीज़ जो पोर्शन ऊपर वाला वो हाथ के पास है कि हाथ से आपने ऐसे खींच के निकाल रहे हो उसको, मतलब फाड़ रहे हो जो वैनम का है, कुछ भी कह सकते हो, जो भी लिक्विड टाइप का है। और इसकी ही कॉपी करके एक डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको क्रॉप करना है जहाँ पे ब्लैक एरिया है, ठीक है ना, ध्यान देखना, जहाँ पे ब्लैक सबसे ज़्यादा ब्लैक एरिया, उसको करने के बाद अपने ऐसे हाथों के पास इसको रखना है, ठीक है, और इसको मतलब मूव डाउन कर देना है। यहाँ से मूव डाउन करने के बाद इरेजर में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है और ब्रश को लेकर यहाँ पर शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है ना। आसान तरीका था ना शेडो क्रिएट करने का, और अगर शेडो क्रिएट नहीं करोगे थोड़ा सा फेक टाइप का लगेगा, बट आई होप कि आप करोगे और मुझे विश्वास है आप कर दोगे, मुझे पता है बहुत सारे मैम बहुत टैलेंटेड बनते हो आप लोग, तो आप कर दोगे। तो यहाँ से आप कर लेना, तो बहुत आसान तरीका है, इरेजर ब्रश लेके उसको बस वहाँ पे पेंट ही करना है और ऐसे डन कर देना आपको, और कुछ गलत हो जाए तो वहाँ से इरेज कर दो। उसके बाद ऐड फोटो में हम दोबारा से जाएंगे। अब इस समय क्या करनी है, हमारे पास एक और PNG इसको लेकर आएंगे और ये एज अ ब्लर पार्टिकल है, एक 3D वाला व्यू आता है, देखो ये ब्लर पार्टिकल है, मैं हूँ और एक पीछे का और वैनम उसकी चीज़ें चिथड़ी उड़ रहे हैं उसके, वो पीछे है, ठीक है ना।
तो एक 3D सा फील आएगा, ठीक है। ये भी हो गया, उसके बाद हमको कहना है एड फुटेज में जाना है, उसके बाद हमारे पास एक PNG ऐसे पार्टिकल्स की पार्टिकल्स को लेकर आना है, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे एक बहुत इफेक्ट अच्छा आएगा। और हाँ, मैं सबका एक एंड में बता दूँगा कि इन चीज़ों को डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़े से चेंजेस हुए पड़े हैं, अपडेट हुए पड़े हैं अब चीज़ें, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको मैं एंड में बता दूँगा कैसे इनको डाउनलोड करना है, जो कि बहुत आसान होने वाला है। आपको मैं भाइयों की तरफ प्यार समझाऊँगा, आप समझ जाओगे। उसके बाद इस PNG को लगाने के बाद अगर मुंह पे आ रहा है तो मुंह से प्लीज़ इरेज कर लेना प्लीज़। उसके बाद आपको मतलब देखता हूँ मैं एड फोटो में क्या करना है, अपनी फ़ोटो को दोबारा लेकर आना है, ये ध्यान से देखना, अपनी फ़ोटो को दोबारा लेकर आना है, बड़ा करना है। और इसके ब्लेंडिंग मोड को आप यहाँ से ब्लेंड पे जाओगे तो इसके ब्लेंडिंग मोड को सबसे एंड में लेकर आना है, एड पर लेकर आना, इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करना है। साइज़ ध्यान से देखो, साइज़ हार्डनेस कम ओपेसिटी कम, साइज़ को ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पर बस टैप करना है एक एक बार, और अपने बॉडी को भी हल्का सा लाइन दे देना। अभी इस चीज़ से इतनी गजब की लुक आएगी, इतनी ज़्यादा गजब लुक आएगी ना, मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, ठीक है। तो इतना करने वाला मैं डन करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या गजब सी लुक आई, या आप खुद ही यार रियलाइज़ करो कितनी गजब की लुक आ रही है चीज़ में, तो बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली है। और अगर आपको आईज़ वगैरह चाहिए, आईज़ ग्लोइंग वाली, तो उनकी मैं PNG नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें एक ग्लो वाली PNG है, वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूँगा, आप चाहते हो लगाना तो लगा सकते हो। उसके बाद इन चोटों को लेकर आना है, चोटे मैंने खुद क्रिएट किए थे, कैसे क्रिएट करते हैं मेरी हल्क वाली वीडियो है, उस हल्क वाली वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसे क्रिएट किए थे, सेम उसी तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। आपको इसको लेना है सिंपली, और आपको भी मतलब ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ना सिंपल सा टी शर्ट पहने हो जिसमें कि ऐसे डिज़ाइन वगैरह ना हो, और इसके ब्लेंडिंग मोड के यहाँ से आप डार्कन कर देना। डार्कन करने में तो खुद भी खुद मैच हो जाएगा, अगर ना हो पाए तो मेरी वाली वीडियो देख लेना, और जो एक्स्ट्रा उसको इरेज कर सकते हैं। और हाँ, हल्की वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ डिटेल में कैसे ऐसे चोटों को क्रिएट करते हैं, ऐसे कपड़े कैसे मतलब टीयर्स बनाते हैं कपड़ों के, बहुत डिटेल में समझाया हुआ उसमें मैंने। तो हर एक वीडियो में से समझाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, तो आपके लिए भी मतलब बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं रहने देता हूँ आजकल। उसके बाद हम आएंगे ड्रॉ टूल में, वैसे 3 डॉट पे जाएंगे, उसको सेव इमेज कर देंगे। इमेज इसको सेव करने में उसको हम करेंगे अपने लाइटरूम मोबाइल ऐप में, जो कि बहुत अमेजिंग ऐप है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारी दाता है एक, तो भगवान की तरह है हमारी फ़ोटोज़ के लिए, हमारे लिए हमारे फ़ोटोज़ के लिए। तो अभी मैंने फ़ोटो को अपने खोल लिया, आप देख सकते हो कितनी गजब की लुक आ रही है। बट इसमें कलर देने के बाद क्या करना है, हमको हमारे प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर हमको Vintage 7 को सिलेक्ट करना है। Vintage 7 बहुत अमेजिंग, एक बार में लुक गजब दे देगा, एक प्रीसेट की तरह ही है आपके लिए। तो आप इसको यूज़ करोगे तो उसी समय आपको एक अजब गजब क्या बोलना, मतलब गजब सी लुक दे देगा। आप इसको यूज़ करके देखना, और उसके ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद क्या, हम जाएंगे लाइट वाले में ऑप्शन में, उसके एक्सपोजर को मैं हल्का सा कम करूँगा। ये आपकी फ़ोटो के ऊपर आपने अपनी फ़ोटो कैसे क्लिक कराई हुई है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी अपने केस में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकता हूँ, या हाइलाइट्स को कम कर रहा हूँ, और शेडो को मैं हल्का सा शायद बढ़ाऊँ, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कैसे करना है। आप चाहते हो तो प्लीज़ इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, कोई मतलब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी इसको ऐसे ही कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जब आप एडिट कर रहे हो तो उस समय आप यही चीज़ें सेम कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि वीडियो साइड बाई साइड वीडियो चलाओ और अब एडिटिंग करो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी रंग वैसे ही करने हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ करना है बहुत ज़रूरी है, जो ऑरेंज कलर है इसके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ाना है, और लुमिनेंस को बढ़ाना है। तो सैचुरेशन हल्का सा मतलब कम ही रखना, बहुत ज़्यादा मत कर लेना, और रेड के सैचुरेशन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा हल्का सा। और येलो हमें लगता है कि हमारे सीनरी में बहुत कम येलो है, तो मैं येलो को मतलब कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, तो मैं इसको मैम नॉर्मल रखता हूँ, या हल्का सा लुमिनेंस वगैरह बढ़ा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी कर लें हम, ठीक है। उसके बाद हम डन कर देंगे, उसके नेक्स्ट वाले क्लैरिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे। ऐसे टेक्स्चर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हर एक फ़ोटो में बढ़ाता हूँ, जैसे कि मेरी फ़ोटो बहुत अमेजिंग दिखती है, और क्लैरिटी को बढ़ाते ही बढ़ाता हूँ 10-15% तक, तो आप देख सकते हो कितनी HD पिक लग रही है, लग रही है कैमरे में खींचा गया हुआ है। तो मेरा राजी है कि मैं क्लैरिटी या टेक्चर वगैरह बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करता हूँ। उसके बाद ग्रेन अमाउंट को हल्का सा बढ़ाया मैंने, और शार्पनिंग बढ़ाने के बाद, ठीक है, शार्पनिंग बढ़ा लिया, और ऐसे मास्किंग को जरूर आगे से अपना इसको मतलब इनेबल कर लेना, इसको आगे की तरफ कर देना हल्का सा। इसके फ़र्क क्या होता है कि मैं जो शार्पनिंग से एक गंदा सा इफेक्ट आता है वो नहीं क्रिएट होगा, जो वाइट एरिया दिख रहा है ना आपको, बस वहीं पे क्रिएट होगा। और ये वाइट एरिया देखने के लिए आप जब मास्किंग को बढ़ाओ तो उसी लाइन पे 2 उंगली रख दोगे तब बढ़ाओगे, मतलब 1 उंगली रखा फिर मास्किंग को बढ़ाओ, 2 उंगलियाँ होंगी ना स्क्रीन पे टैप, फिर वो आपको वाइट दिख जाएगा, ठीक है, आप क्वालिटी देख सकते हो। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने जो हमारा प्रीमियम चीज़ होती है, तो उसमें क्या क्या है कि उसमें ब्रश मिलता है आपको, हम ब्रश से अपने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपके केस में नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखों के पास डार्कनेस आ रही थी, तो उसको मैं हटाने के लिए हल्का सा इसलिए मैंने कर दिया है। तो मतलब इतना मतलब
बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है, ये तो आप करना चाहते हो कर सकते हो, या चीज़ आप पिक्सार्ट में भी कर सकते हो आराम से, तो करना हो तो कर लेना अगर आपके ऐसे डार्क शेड आ रहे हो। क्योंकि मैंने धूप में इसको मैं फोटो क्लिक कराया था तो धूप मेरे सिर के ऊपर था, तो इसलिए मतलब इसी कारणों की वजह से थोड़ा सा मेरी आइज में डार्कनेस आई है। तो अब मैं बताऊँगा अगर आपको नहीं चाहिए तो शाम के वक्त इसको जब आप क्लिक करा सकते हो अबाउट 4:30 या 5 बजे के बाद कराना, तो बहुत अमेजिंग पिक आ जाएगी, ऐसे मेरी तरह से नीचे शेड्स नहीं आएंगी। तो दैट्स इट, इतना ही था। अब मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड स्टॉक डाउनलोड करने के लिए आपको इस मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से आना पड़ेगा और हल्का सा जो आर्टिकल उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड्स होंगे वो दिख जाएंगे। और यहाँ पे देखो नीचे सबसे एंड में लिखा है डाउनलोड नाउ, यहाँ पे इसको टाइप करो ना ग्रीन कलर के बटन पे, तो एक आपको अलग से एक विंडो खुल जाएगी आपको, आप हाँ मैं कहूँ तो, या क्रोम ब्राउजर में करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हल्का सा नीचे आना, ऐसे स्क्रॉल करते जाना और जितने भी ऐड है यहाँ से क्रॉस देखो टॉप में मिला ना क्रॉस, उस पर दबाते रहो, प्यार से दबाते रहना। और एक बार नीचे जाओ तो यहाँ पे आएगा कि साइकिल चलेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा रंग बिरंग सा, और साइकिल चलता रहेगा ना, उस साइकिल को वेट करना थोड़ा सा 10 सेकंड तक का टाइम लेगा, वहाँ पे आएगा ओपन फिर कंटिन्यू, उस पर टैप करना आराम से प्यार से, ठीक है। और हाँ, एक क्रोम में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला खुलेगा फिर से एड्स आएंगे, तो उन पे क्या है कि जो क्रॉस वाला है इनको हटाते रहना है, इन पे मतलब इनको इग्नोर मारना है। और आएगा हल्का क्या है, प्लीज़ क्लिक बिलो एड्स टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे कहीं भी एक बार टैप कर देना जहाँ भी आपका मन करे, किसी भी ऐड पे क्लिक कर देना, जो भी हो रहा होगा जो भी होगा आपके उस टाइम, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नए वाले उस पर ले आएगा, आपके नए वाले पेज खुल जाएंगे जो भी आपका। और मैं अभी भी कह रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र में करना या कोई और भी ब्राउज़र कर सकते हो, बट ऐसे डायरेक्ट मन करना। उसका नया जब ओपन खुलेगा विंडो, तो फिर से आपको मतलब लेयर जो पैनल होता है ना वहाँ पे, तो लेयर पैनल पे जाके पीछे आ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लेयर पैनल पे दबाऊंगा और पीछे आ जाऊंगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर फिर से जो भी एड्स होंगे क्लिक करूंगा, आप लिख रहा है ग्रेट क्लिक एक्स टू कंटिन्यू, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट वो शाबाशी दे रहे हैं। वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुलेगी, वहाँ पर आएगा फिर से ओपन फिर कंटिन्यू, तो सबको इग्नोर करके आपको उसके ऊपर ही टैप करना है। तो मैं ऊपर उस पर टैप करता हूँ तो फिर से कुछ भी खुल जाएगा एड्स वगैरह, फिर से आपको पीछे जाना है लेयर की हेल्प से, उसके बाद वहाँ पे जाके फिर से आएगा ओपन एंड कंटिन्यू कर देना है। जब वहाँ पे क्लिक करोगे, ये लास्ट है, जब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जब नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको सबसे अब यहाँ पे इसको आप ध्यान नहीं देना, 10 सेकंड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपने। यहाँ पे आएगा अनलॉक लिंक, अनलॉक लिंक पे टाइप करने के बाद एक खुल जाएगा, उसको क्रॉस कर देना, फिर से पीछे आ जाना, फिर से अनलॉक लिंक कर देना। यहाँ से अब करोगे तो एक कुछ भी आ जाएगा, क्लिक अलाउ टू डाउनलोड ऐसा आ जाएगा कुछ, क्लिक अलाउ टू डाउनलोड, ये पक्का आएगा आपके। तो उसके बाद फिर से एक मतलब पीछे आ जाना, एक लेयर फिर से पीछे आओगे तो आपको यहाँ पे देखो ऐसे फील होता, स्टार्टिंग में देखेगा आपको ऐसे फील हो रहा होगा, वैलिडिटी और ऐड क्लिक से यहाँ पे जो फील हो रहा है ना ब्लू बॉक्स वो फील होगा और गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा बड़े आसानी तरीके से। उस पर टैप करोगे तो आपका जो भी होगा गूगल ड्राइव का, एक बार पीछे आओगे तो आपको पूरे के पूरे जो भी बैकग्राउंड स्टॉक हैं बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएंगे और मेरी इमेज भी मिल जाएगी रेफरेंस के तौर पर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अब चाहो तो, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर लेना, तो बहुत आसान है करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सो डाउनलोड करो मचा दो एडिटिंग में।